उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शहाबुद्दीन की पत्नी को आरजेडी टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है सीवान से। हिना शहाब को टिकट दिया जा सकता है आरजेडी की ओर से, सूत्र बता रहे हैं सीवान से। अभी तक आरजेडी ने प्रत्याशी तय नहीं किया है। दरअसल सीवान लोकसभा सीट के लिए आरजेडी अभी भी हिना शहाब की ही राह देख रही है। पार्टी टकटकी लगाए हुए बैठी है कि हिना साथ आ जाए तो राह आसान हो जाए, जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें साधने में मदद मिल जाएगी। हिना शहाब के लिए वेट एंड वॉच आरजेडी कर रही है, यानी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और मुस्लिमों को नजरअंदाज करने का मैसेज ना जाए, ये समीकरण साधने की कोशिश में है आरजेडी। शक्ति सिंह संवाददाता पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शक्ति, और क्या जानकारी है सूत्रों के हवाले से? जो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हिना साहब को आरजेडी ने मन बना लिया है कि उन्हें सिवान से ही अपना उम्मीदवार बनाएगी, और इसकी घोषणा जो है आने वाले एक से दो दिनों में की जा सकती है। लेकिन आपको बताएं कि अभी कुछ दिन पहले ही आरजेडी ने अपने 23 सीटें जिस पर वो लोकसभा के चुनाव लड़ रही है उसमें उम्मीदवारों के नाम में से 22 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन सिवान का जो सीट है उस पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई थी। हालांकि आपको बताएं कि अवध बिहारी चौधरी जो कि सिवान सदर से विधायक हैं आरजेडी के और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो लगातार पिछले एक महीने से कैंपेन कर रहे हैं, अपने जनसंपर्क अभियान उन्होंने चला रखा है, और कहा यह जा रहा था कि उन्हें आरजेडी अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन जब नामों की घोषणा हुई तो उसमें सिवान का नाम नहीं था। ऐसे में अब जो है कहीं ना कहीं पार्टी जो के अंदर खाने जो बातचीत चल रही थी, हिना साहब से बातचीत चल रही थी, वो हमारे से तो बता रहे हैं कि अब उस पर हिना साहब राजी हो गई है, क्योंकि आरजेडी अच्छी तरह से जानती है कि हिना साहब को अगर टिकट नहीं मिलता और हिना साहब जिस तरह से वो प्रचार कर रही है, उन्होंने लगातार वो कर रही है कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, तो अगर हिना साहब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिवान से टिकट खड़ी होती हैं तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आरजेडी बिल्कुल मुस्लिम वोटर्स को साधने की कवायद भी इसको मान सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं करना चाहती है आरजेडी, इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्या कहा जा रहा है शहाबुद्दीन की पत्नी की ओर से, उनकी पार्टी की ओर से क्या रिएक्शन आ रहे हैं? देखिए, अभी इसको लेकर कोई अधिकारी जो है बयान नहीं आया है, लेकिन आपको बताएं कि इससे पहले लगातार हिना साहब जो अपने कैंपेन में क्षेत्र में निकल रही है तो वो कह रही है कि उनके पति जो है शहाबुद्दीन ने जो है सिवान में आरजेडी को जमीन से लेकर आसमान तक ऊपर कर दिया और पार्टी अब उनकी अनदेखी कर रही है, तो एक मैसेज जो है अपने कार्यकर्ताओं में अपने वोटों के बीच में वो देने की लगातार कोशिश में कर रही है कि उनके साथ पार्टी जो है उपेक्षा कर रही है। और न सिर्फ आपको बताया कि सिवान में बल्कि अगर आरजेडी हिना साहब को टिकट यहाँ से नहीं दिया तो जो मुस्लिम वोट बैंक है सिवान के अलावा बिहार के कई जिलों में, खासकर जो सीमांचल का एरिया है वहाँ पे मुस्लिम वोट महागठबंधन से खिसक सकते हैं, क्योंकि ओबीसी की पार्टी भी सीमांचल के कई जिलों में लड़ रही है और ओबीसी ने जो है हिना साहब का समर्थन दे कहने की बात कुछ दिन पहले कही थी, तो ऐसे में आरजेडी अच्छी तरह जान रही है कि न सिर्फ सिवान बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित हो सकते हैं, तो उन सीटों पर जो है आरजेडी और महागठबंधन को जो है मुस्लिम वोट में जो है कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, और इसी के लिए आरजेडी ने अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मन बना लिया कि हिना साहब को बनाने की जो कवायद पिछले कई दिनों से चल रही थी उस पर अब बातें लगभग तय हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसकी घोषणा भी आरजेडी की तरफ से की जा सकती है। जी शक्ति, अंदर खाने क्या खबर है, कब तक ऐलान हो सकता है टिकट को लेकर? देखिए, दो से तीनों दिनों में जो है इसको लेकर जो है आरजेडी की तरफ से ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि जो 23 सीटें थे जिसपे आरजेडी के खाते में है महागठबंधन में, उन 23 में से 22 सीटों पे आरजेडी ने अपने नाम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, बस सिवान एक सीट था जो अब तक बचा हुआ था, तो उसकी भी घोषणा की जा सकती है। हालांकि हमारे सूत्र बना रहे कि हिना साहब को मनाने में आरजेडी पीछे कई दिनों से लगी हुई थी और हिना साहब के द्वारा लगातार जो इस तरह से उनके परिवार और उपेक्षा आरजेडी के पार्टी की तरफ से की जा रही थी उससे नाराज चल रही थी और उन्होंने मन भी बना लिया था कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिवान से चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी को के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर हिना साहब उनसे अलग हो जाती है तो सिवान के अलावा न सिर्फ ठीक है। इस खबर पर शक्ति आप नजर रखिएगा, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, दर्शकों को बताना जरूरी है।